अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 7.2। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैल्शियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सिखाता हूँ। जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है उसको बोल्ड लेटर में लिखा हुआ होगा। लाइक कैल्शियम सल्फेट है तो इसमें ये जो सल्फेट का सल्फर है ये बोल्ड लेटर में है, प्लस O4 है। ये देखें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला डेवलप कर लेना है। इस फॉर्मूला में हम सिंपल लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात करते हैं जी हम अगर कैल्शियम की, तो आप देखें कैल्शियम कैल्शियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, ठीक है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16 से। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 16 के बारे में याद रखें, ग्रुप नंबर 2 के तमाम तर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस 2, और ग्रुप नंबर 16 के तमाम तर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस 2, और सल्फर का क्योंकि हमने फाइंड करना ही है एज इट इज आ जाएगा। तो कैल्शियम कितने कैल्शियम है, एक ही है प्लस 2, प्लस सल्फर एक ही सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, प्लस 2 प्लस सल्फर प्लस माइनस माइनस 4 टू आर 8 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 प्लस एस ऑफ सल्फर माइनस 8, इधर आकर हो जाएगा प्लस 8। सल्फर विल बी इक्वल टू प्लस 8 और ये प्लस 2 इधर आकर माइनस 2 हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे प्लस 8 माइनस 2, सल्फर विल बी इक्वल टू प्लस 6। इस तरह से हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं जो कि कैल्शियम सल्फेट में है प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ देखें बहुत सारे हमने इसको ना ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम, बेरियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है प्लस 2, प्लस फास्फोरस का फाइंड करना है प्लस ऑक्सीजन का माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा प्लस प्लस 5। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो ये देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2 है, सल्फर का एस आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा हमारे पास प्लस 6, जो मैंने अभी आपको डिटेल से निकाल के दिखाया। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि ये मेथड ज़्यादा अच्छा है या जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया वो मेथड ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं जी नेक्स्ट, कॉपर नाइट्रेट में नाइट्रोजन का हम लोगों ने निकालना है। तो कॉपर नाइट्रेट में देखें, सिंपल कॉपर का प्लस 2, नाइट्रोजन का फाइंड करना है और ऑक्सीजन का माइनस 2, जितने ऑक्सीजन है 3 टू 6 6 हैं और ये 2 नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 आ गया। इसको सारे को सॉल्व करेंगे, नाइट्रोजन आ जाएगा प्लस 5। बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट में इस सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये देखें प्लस 3, सल्फर एज इट इज आ गया और ऑक्सीजन का माइनस 2। अब कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 4 3 आर 12, 12 हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा प्लस 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ना कंपाउंड, किसी कंपाउंड MX3 में, MX3 हमारे पास एक कंपाउंड है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एंड हेलोजन। अच्छा याद रखें, एम से केमिस्ट्री में आमतौर पर मेटल को, हमारी इस नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में मेटल को, और एक्स से हमारी इस नाइन्थ क्लास में नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, और कौन से नॉन मेटल को, बल्कि मैं सीधा ही लिखता हूँ कि इससे रिप्रेजेंट किया जाता है हेलोजन्स को। तो मेटल और हेलोजन याद रखें, हेलोजन हमेशा नेगेटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, और
तीन, क्योंकि यहाँ पर आप देखें हेलोजन है तो मेटल जाएगा +3 में और हेलोजन जाएगा -1 में. -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -3 और मेटल फिर जाएगा +3 में. तो मेटल है जी +3 और हेलोजन है -1. बात करते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है H2S SO2 और H2SO4. मैं इसको अपने तरीके से करके दिखाता हूँ. ये देखें, एक है आपके पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है हमारे पास H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और थर्ड नंबर पे है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो बात करते हैं जी हम लोग सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की. फॉर्मूला बनाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हैं, प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0. और यहाँ फॉर्मूला बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें पुट करते हैं. देखें सल्फर का फाइंड करना है, सल्फर एज इट इज आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. 2 2s are 4, सल्फर प्लस माइनस माइनस, सल्फर -4 इज इक्वल टू 0 एंड सल्फर विल बी इक्वल टू +4. यहाँ सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 इंटू 2 प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0. 2 1s are 2, तो ये आ गया +2 प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0 एंड सल्फर विल बी इक्वल टू, ये +2 इधर आकर हो जाएगा -2. इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0. 2 1s are 2, ये आ गया हमारे पास +2 प्लस सल्फर प्लस माइनस माइनस माइनस, 4 2s are 8 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा +2 प्लस सल्फर, अब -8 उधर आकर +8 हो गया एंड सल्फर विल बी इक्वल टू +8 -2, सल्फर इज इक्वल टू +6. अब अगर आप इसको देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास वो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट आया. लाइक अगर हम बात करें SO2 में +4 आया, H2S में -2 आया और H2SO4 में वो +6 आ गया, ठीक है. तो सल्फर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है +4, सल्फर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है -2 और सल्फर यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है +6. तो ये जी हमारे पास इसका आंसर कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 का. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वाई इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2. याद रखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, तो फिर OF2 में ये +2 क्यों है? याद रखें हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के रूल्स पढ़े थे तो उसमें ये रूल था कि ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है. अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है फ्लोरीन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन. फ्लोरीन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5. आप देखें फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन इज
वैसे तो हाई है बट फ्लोरीन की निस्बत इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन की निस्बत ये लेस है, जिसकी वजह से फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओ एफ टू ऑक्सी फ्लोराइड इज +2 +2 होता है, जबकि आमतौर पर ये -2 है। दिस इज बिकॉज इसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 4.0 है, जो कि पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। देयर फॉर इस वजह से फ्लोरीन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, वाइल जबकि ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। एन एलिमेंट एक्स हैज ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एक एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये देखें इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। वट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वेन इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। वेन एक्स विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, जब एक्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने बैलेंस शेल में, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, देखें पहले 0 थी, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, यानी 0 -1 फिर -1 फिर -1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास -3, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। एन एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7, एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है देखें +7, वो रिड्यूस होता है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देखें +7 को हमने कन्वर्ट करना है +2 में, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसमें -5 कर देंगे। -5 का मतलब है कि इट विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इट विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख दूं, इट विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम +5, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से चेंज हो रही है -3 में, ठीक है, पहले +5 थी अब -3 है, तो बताएं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ। पहले तो देखें +5 से -3 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -8, तो फिर होगा जी -3। अब -8 का मतलब है कि इसने गेन किए, क्या हुआ जी, इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है दैट सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, ये सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये था जी हमारे पास क्रिस्टल सेल्फ, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।